क्या बीजेपी को राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की बात इतना अच्छी लगी कि उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया? जब प्रहलाद जोशी ने ये कहा कि बीजेपी को कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्या बीजेपी को लगातार कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हमले इतने चुभ गए कि बीजेपी के जो प्रदर्शन राजस्थान में होते हैं उसमें भीड़ दिखाई नहीं देती, जो सभाएं बड़े बड़े नेताओं की होती है तो उसमें जो दावा किया जाता है उस लिहाज से लोग वहां पर नहीं आते हैं पहुंचते हैं? क्या बीजेपी को ये लगने लगा है राजस्थान में कि एकजुटता का मंत्र ही वो मंत्र है जो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से पार पा पाएगा और फिर एक बार बीजेपी की सरकार की राजस्थान में वापसी हो पाएगी? जी हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल ये सारी बातें इसलिए कहना जरूरी होती हैं क्योंकि आज की तारीख मंगलवार के दिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से अलग अलग संगठनों के जरिए चौतरफा हमला राजस्थान की सरकार और कांग्रेस पर किया गया वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां कर देती है, क्योंकि जिस लिहाज से आज न सिर्फ सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी की तरफ से घेरा गया राजस्थान सरकार को, और वो भी अलग अलग मुद्दों में, वो ये दर्शाता है कि बीजेपी न सिर्फ एकजुटता का मंत्र देना चाह रही है अपने आलाकमान को और ये भी बताना चाह रही है प्रदेश की जनता को कि वो एक मुद्दे को बांध कर नहीं बैठना चाहती बल्कि अलग अलग मुद्दों पर सड़कों पर उतरकर और सदन तक में प्रदेश की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है। शुरुआत करते हैं आज विधानसभा में जो सदन की कार्यवाही हो रही थी उस दौरान मोर्चा संभाला सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से रह चुके हैं, किसानों के मुद्दे पर बड़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने आवाज उठाई और कह दिया कि यहां तो किसानों की आत्महत्या लगातार लाइव होकर दी जा रही है, और इसके अलावा किसानों की जो कर्ज माफी की बात 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक से लेकर 10 गिनती गिनकर कही गई कि 10 दिनों के अंदर किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, 1700 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं लेकिन किसानों का कर्ज माफ अभी तक नहीं हुआ, और जिस तरह से आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं किसानों को लेकर ये एक चिंता का विषय है। आप जरा देखिए किस तरह का हंगामा राजस्थान की विधानसभा में हुआ, फिर उसके बाद आपको आगे और अगली कड़ी पर ले चलेंगे जहां पर बीजेपी की तरफ से सड़क पर संघर्ष देखने को मिला। 60 लाख किसान 1 लाख करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहे हैं, और यही सदन है, यही सरकार है। एक बार नहीं, दो दो बार खुद के मेरे प्रश्न के जवाब में और विद्याधर नगर से आने वाले माननीय विधायक के जवाब में 19,422 किसानों की नीलामों की जमीनों की नीलामी स्वीकार की है। इस तरीके की वादा खिलाफी केवल बयानों में नहीं, जन घोषणा पत्र के कृषक कल्याण के पेज नंबर 101.1 के उसमें घोषणा करिए। अरे किस मुंह से बात करते हो? आपको हक है क्या बात करने का? सदन में सरकार को घेरने की गूंज तो आपने सुन ली, लेकिन सड़क पर किस तरीके से लाठियां खाई हैं आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज अजमेर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से अगुवाई की भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने, वो राजस्थान पहुंचे, अजमेर में उन्होंने रुख किया, पूरा जमावड़ा आज था और निशाने पर था आरपीएससी के पेपर लीक का मामला, और जिस तरीके से रिश्वत लेकर भर्ती के मामले सामने आए हैं उसको पुरजोर तरीके से उठाने की पूरी कोशिश थी, आरपीएससी की तरफ कूच किया जा रहा था। इसमें न सिर्फ बाबा बालकनाथ बीजेपी के सांसद थे बल्कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इन युवा शक्ति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश व्यक्त किया गया, नाम इसका दिया गया युवा महाक्रोश रैली, और इस रैली के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, आमना सामना पुलिस का और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हुआ, लेकिन इसी बीच लाठी चार्ज पुलिस की तरफ से किया गया, ऐसा एबीवीपी के या क्यों कहें कि बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का कहना है, और यह उनकी तरफ से कहा गया कि जो अंकित चेची भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सर पर पुलिस ने सीधा लाठी से वार कर दिया और वो घायल हो गए, बेसुध हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कंधा
दिया हुआ है अपना सीपी जोशी ने संदेश बहुत बड़ा है कि युवाओं के साथ ही तजुर्बा आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये एक तस्वीर बहुत ही सांकेतिक तौर पर यह दर्शाने की एक कोशिश करती है कि एकजुट जब तक बीजेपी नहीं होगी तब तक अशोक गहलोत की सरकार का कांग्रेस की सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहरहाल अस्पताल में लेकर जाया गया अंकित चेची और जो तमाम कार्यकर्ता थे इस दौरान, अनीता भदेल सर्वश्रेष्ठ विधायक का उनको पिछले विधानसभा के सत्र के दौरान पुरस्कार मिला था, इनाम मिला था, वो घोषित की गई थी, वो भी यहाँ पर थी। तो महिला शक्ति हो, युवा शक्ति हो, या फिर यूँ कहें कि प्रदेश का संगठन हो, प्रदेश के अध्यक्ष खुद मोर्चे पर डटे हुए थे। ये तस्वीरें आप कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही साथ कुछ बयान भी यहाँ पर सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर अगले पड़ाव की बात करेंगे, क्योंकि सत्ता कहते हैं केंद्र अगर जयपुर बन जाता है तो जयपुर में किस तरीके से एबीवीपी ने जोधपुर के मसले पर प्रदर्शन किया, उसकी बात करते हैं। पहले जरा जोधपुर से इतर अजमेर में जो बयान सामने आए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये आंदोलन का समय है, ये लाठी खाने का समय है, पानी का बोचार सामने करने का समय है, ये युवा मोर्चा के आक्रोश को दिखाने वाला समय है। पेपर चोर का जो गुनाह किया है कि 30 महीने बाद किसी भी गुल बिल में घुस जाएंगे, उस बिल से भी निकाल के उनको सजा दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी परेशानी तो राजस्थान सरकार को आने वाली, हमें काहे की परेशानी है? वाह, सरकार को परेशानी है और ये चेतावनी है इन लोगों को, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। हमारा युवा लाठी इस प्रदेश सरकार के खिलाफ में और युवाओं के लिए खा रहा है, कोई इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए खा रहा है। तो बात राजस्थान विधानसभा की हो गई, बात अजमेर की भी हो गई, लेकिन हर लिहाज से सत्ता की चाबी तो जयपुर में है। सत्ता अगर हासिल करनी है तो जयपुर में करनी है, और जयपुर में अगर हासिल करनी है तो जयपुर से जो आवाज़ उठेगी उसकी गूंज पूरे प्रदेश में दिखाई देगी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मोर्चा संभालते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी का घेराव करने का ऐलान किया, और उसमें बड़ी संख्या में एबीवीपी की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। इस बीच आरोप ये लगाए, या तस्वीरें कुछ इस रूप में सामने आई कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, हालांकि इन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस बात को खारिज किया गया कि उल्टा पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। मुद्दा वही, जोधपुर में नाबालिग दलित युवती का गैंगरेप 3 लोगों की तरफ से जिस तरीके से हुआ, और आरोप ये लगे कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ही उसमें शामिल हैं, तो इसी बात को लेकर यहाँ एबीवीपी ने आज आक्रामक तरीके से जयपुर में मोर्चा संभाला और ये दर्शाने की कोशिश की कि अगर BJYM यहाँ अजमेर में अगर प्रदर्शन कर रही है, अगर विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी बात को सामने रख रहे हैं, सतीश पूनिया अपनी बात को सामने रख रहे हैं, तो एबीवीपी भी पीछे नहीं है। तो ये भी यहाँ पर तस्वीर और यहाँ पर कुछ बयान सामने आए, वो भी आपको दिखाएंगे। राजस्थान प्रदेश में महिलाओं पर दिनों दिन दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पिछले 2 दिन पहले भी विधानसभा का घेराव किया, लेकिन पुलिस की लाठियों के द्वारा विश्वविद्यालय में और विधानसभा में एबीपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। उसके बाद हमने ज्योति नगर थाने का घेराव किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर महिलाओं के पर अत्याचार हुआ तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं है, मजबूती से हमारी बहनों के साथ खड़ा रहेगा और लड़ाई लड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में आए दिन बलात्कार की घटनाएं सामने आती है कि महिला विरोधी सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल में 1000 से अधिक नाबालिग गैंगरेप के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन महिलाओं के इस कोई भी महिलाओं के सम्मान के लिए कोई प्रदेश में एक्शन नहीं हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बहन बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती आई है। नहीं सहेगा राजस्थान, ये मंत्र दिया गया जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और इस मंत्र के जरिए एक कोशिश, एक मुहिम चलाई जा रही है बाकायदा राजस्थान के लोगों को छूने की और ये बताने की कि किस तरीके से अब राजस्थान नहीं सहेगा, चाहे वो महिला अपराध की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, RPSC पेपर लीक की बात हो, और इसके अलावा किसानों के मुद्दे हो, सभी मुद्दों को लेकर वो सड़कों पर उतरते हुए नहीं सहेगा राजस्थान की मुहिम को आगे लेकर जाएंगे। और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो कार्यक्रमों का आगाज़ यहाँ JP नड्डा की तरफ से किया गया, वो आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। ये कुछ तस्वीरें भी आप जो आज बीजेपी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान के जो मुद्दे को लेकर आज ये कार्यक्रम किए वो आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बीजेपी
एकजुटता का ना सिर्फ संदेश दे रही है बल्कि बीजेपी ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि एकजुटता के मंत्र से ही हम हर लिहाज से कांग्रेस से 21 कर होने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा पिछले दिनों जो संगठन की बैठकों में एक साथ एकजुट नजर आए, अब उसके जवाब में अगर बीजेपी की तरफ से सभी नेता एक मंच पर एक जाजम पर नजर आते हैं तो ये न सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि राजस्थान के लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश करेगा जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि ना तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं और ना ही जो आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरों की भरमार है। तो ये एक तरह से कहें कि अगर एक छत के नीचे सारे नेता अलग अलग तरीके से अपनी बातों को राजस्थान सरकार के खिलाफ उठाते हैं तो वो आगे चलकर आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह का समर्थन या जन समर्थन बीजेपी की इस मुहिम को मिलता है और जो आज की तारीख में जो तस्वीर देखने को मिली इसी तरह के आंदोलन और इसी तरह के प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिलते हैं और यही एकजुटता देखने को मिलती है। लेकिन एक चेहरा जाहिर तौर पर नदारद था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, वो किस तरह से एकजुट होकर एक साथ यहाँ पर नजर आती हैं क्योंकि पिछले दिनों खबर ये निकल कर सामने आई कि बात झालावाड़ की करें तो झालावाड़ के बीजेपी के जिला अध्यक्ष की तरफ से अपना इस्तीफा दे दिया गया। खैर वो एक दूसरा विषय है लेकिन हर लिहाज से अगर वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसी तरह से एकजुटता के साथ सामने आएंगी तो वो कहानी एक नए रास्ते पर चल सकती है। आगे आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रबंधन समिति का गठन होना है और भी जो महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार समिति है उसका गठन होना है तो जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले जो एक कोशिश बीजेपी की तरफ से कही गई कि एकजुट होते कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है वो कांग्रेस की ज़रूर बेचैनी का कारण बन सकती है। फिलहाल ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बेहतर लगी होगी तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, जो हमारी कमी है वो कमेंट करके बताइएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।